हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो आज का जो वीडियो है एएलपी और टेक्नीशियन के मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिव्यू के ऊपर। दोस्तों काफ़ी कमेंट आ रहे थे आपके कि इलाहाबाद जोन का एक्सपीरियंस बनाओ दोस्तों। तो ये आपका इलाहाबाद जोन का खुद की जबानी से एक लड़का जिसका नाम है दोस्तों पीयूष तिवारी जी से बात हुई है मेरी। उन्होंने दोस्तों रिकॉर्ड करके मेरे को दिया है, ऑडियो रिकॉर्ड है दोस्तों आपको बता दूँ। तो वो पूरा आप सुने, ध्यान से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो ज़रूर सुने दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है मैंने किया है, आप ये मत बोलना अब कि ये मैंने खुद ही बनाया है। इसका मैं आपको प्रूफ पहले ही दे देता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप पर उनसे बात की है, आप देख सकते हो। ऑडियो रिकॉर्ड किया था, ठीक नहीं था, सेंड करूँ क्या? तो दोबारा से कर दो, उससे बना लेना, भेजो देखे। तो इन्होंने ये ऑडियो भेजा, आप देख सकते हो, 6 मिनट 4 सेकंड का दोस्तों। तो इसी ऑडियो को मैं अपने YouTube इसी वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों और चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका और कोई जोन हो या और कोई भी साथी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, साथियों की मदद करना चाहता हो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जिनका नाम है रोल नंबर लिस्ट में आ चुका है उनका दोस्तों आप सिलेक्शन 99% मान सकते हो। तो सभी आपके साथी हैं, आप ये मत सोचो कि आपका कोई रास्ता रोक रहा है दोस्तों, सभी आपके साथ ही हैं। तो आप भी शेयर कर सकते हो, मैंने कांटेक्ट में डाले हुए हैं ईमेल सभी कुछ, आप वैसे उस पर मैसेज करो, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पर बात करूंगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। अब स्टार्ट करते हैं हम उसी वीडियो को जो इन्होंने रिकॉर्ड करके दिया है, पूरे को ध्यान से सुने। वीडियो के अंत में मैं आपको और थोड़ी जानकारी दूंगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कई दिनों से लोगों की क्वेरीज थी काफ़ी इलाहाबाद आरआरबी इलाहाबाद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट को लेकर। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से। जी मेरा मेडिकल जो हुआ था ये 24 जून को हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन 23 जून को हुआ था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने 60 60 लोगों को बुलाया हुआ है, जैसे आपको पता ही है, दूसरी लिस्ट भी आ चुकी है। तो 60 लोग को जैसे उन्होंने बुलाया, तो सुबह सुबह हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट में था। तो देन हम लोग जब पहुंचे तो उन्होंने उन लोगों ने क्या किया था कि 20 20 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था हम लोगों को, और 20 के ग्रुप के बाद में उन एक एक रूम अलॉट कर दिया गया था कि रूम नंबर 1 2 3 करके, और 20 20 लोगों को उनके सीट नंबर भी अलॉट कर दिए गए थे, 21 to 20 22। इस तरीके से था सारा। उसके बाद में हम लोग गए तो अपने अपने सीट पर जाकर बैठ गए, और उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट हुई। हम लोग को 3 फॉर्म उन्होंने दिए, एक का डिक्लेरेशन फॉर्म करके था और एक डीवी फॉर्म था एंड मेडिकल के लिए एक फॉर्म था। तो उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म में उन्होंने डिटेल्स फिल करने के लिए बताया, और सारे कुछ में डिटेल्स फिल करनी थी, तो जो ओरिजिनल डिटेल्स हैं अपने आप वो सारी फिल कर देते हैं। स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था, जिसको प्रॉब्लम हो रही थी दो दो तीन तीन बार बता रहे थे, तो लोगों ने आसानी से फिल करा। उसके बाद उसमें फ़ोटोज़ वगैरह का सीन था, तो फोटोज उन्होंने उन्होंने 6 फोटोग्राफ्स लाने को बोला है, बट वो यूज़ 3 to 4 ही होती हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है उसमें। और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी चेक वगैरह किया था, आईडी प्रूफ वगैरह मांगे, वेरीफाई किया, देन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो प्रोसेस में क्या, पहले बायोमेट्रिक का सीन था, तो बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट्स वगैरह मैच किए गए और फोटोज़ वगैरह ली गई। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जिसका जिसका मैच होता गया, सर सभी का मैच ही था, जिसको एक दो बार में प्रॉब्लम आई तो उनका भी सही हो गया था, दो तीन बार से ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम आई नहीं थी, मैच कर जाता था। तो फिर उसमें मैच्ड के उन्होंने स्टाम्प लगा देते थे। बीच में एक फ़ोटोग्राफ़र आया था, तो उसने सब लोगों को फ़ोटोग्राफ्स ली थी, और थोड़ी देर बाद वो फ़ोटोग्राफ्स आ गई थी वहाँ पर, तो सबको वो फ़ोटोग्राफ्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। फिर क्या हुआ था कि सबको अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेने थे, और उन्होंने जैसे कि 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज मांगे थी, तो जो सेट 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज है उसको सेल्फ अटेस्ट करना होता था। पहले आप उसके ऊपर लिख देंगे सेल्फ अटेस्टेड, एंड उसके बाद में अपना सिग्नेचर एंड उस दिन के उस डेट डाल देंगे आप जो। फिर उसके बाद में वो एक एक करके बुलाते जा रहे थे, जैसे जिस जिसका ख़त्म होता जा रहा था वो एक एक करके एक एक ऑफिसर के पास पास करता जा रहा था। तो आपकी फ़ोटोकॉपीज से मैच करेंगे, आपकी डिटेल्स मैच करेंगे, और उसके बाद में एक फ़ाइल होती है उनके पास में, आपकी एक फ़ाइल पूरी तैयार करते हैं, उसमें आपकी फ़ोटोकॉपीज़ की सेट्स और आपके ये जो आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो मतलब कि वो उसमें पंच कर देते हैं। उनके पास में जो हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी रहता है,
तो उसमें हम लोगों ने जो CBT 2 में डिक्लेरेशन वगैरह भरा था वो भी अपने सामने फिल करवाते हैं, एक बार फिर से अपनी हैंड राइटिंग में लिखवाते हैं वो। गाइस जी, अगर आपके पास में किसी के पास में अगर प्रॉब्लम आती है कि नेम मिसमैच का, तो प्लीज़ 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 एफिडेविट बनवा लीजिएगा, किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है, आसानी से प्रॉब्लम्स को सुन रहा है, लेकिन आप एफिडेविट बनवा के जाइए। अगर आपके नेम मिसमैच हो रहा है, फादर्स नेम मिसमैच हो रहा है, या आपका नेम मिसमैच हो रहा है, तो कोशिश करिए कि आप एफिडेविट बनवा के जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और इसके बाद में वो स्टाम्प वगैरह लगवाते हैं, लगा देते हैं, और होता नहीं थंब इम्प्रेशन, जो उनकी प्रोसेस है, एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लग जाता है वैसे बैठे बैठे। फर्स्ट डे था मेरा, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, वो लोग भी इतने हैबिचुअल नहीं थे। उसके बाद में क्या होता है कि वो एक फॉर्म होता है मेडिकल मेमो करके, तो उसके वो दूसरे रूम में था, उधर जाना होता है, उसकी 24 रुपीज़ फ़ीस होती है। एक काउंटर पे आप जाके 24 रुपीज़ पे करेंगे, वो आपको स्लिप दे देगा। देन आप क्या करेंगे कि वो दूसरे काउंटर पे जाएंगे, उनके पास में एक फॉर्म प्रिंटेड रखा होगा जिसमें से आपको कहाँ मेडिकल के लिए जाना है वो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। तो आप इस चिंता में मत रहिए कि वो प्रोवाइड करेंगे आपको कि कहाँ मेडिकल के लिए जाना है, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो मतलब RRB ही डिसाइड कर देती है कि आपको कहाँ पर जाना है, वो प्रिंट आउट निकाल के वो आपका दे देंगे, और उसमें दो फोटोग्राफ चिपका देंगे, 3 स्टेपल कर देंगे, जो कि आपको मेडिकल के टाइम पे यूज हो जाती है। तो आपको, और वो आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछेंगे, आपको वहीं सामने चेक करेंगे वो हैं या नहीं है, एंड वही आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके फॉर्म में फिल कर दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद में क्या होता है कि आपको मेडिकल मेमो दे दिया जाएगा, और उसके बाद में आपको वहाँ से तुरंत तुरंत दूसरे दिन मेडिकल के लिए निकलना होगा। बात यह आती है मेडिकल के लिए कहाँ कहाँ भेज रहा है, तो जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली भेज रहा है मुरादाबाद, आगरा, झांसी और लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर का नहीं आया था। हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए बचा के रखा हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, उनको वहाँ पहुँचने में टाइम लग सकता है। तो आप 2-3 दिन का तो खैर, और इस तरीके से रेडी होके आइए कि आपको तुरंत ट्रेन पकड़नी है, और आप ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, जो भी कन्वेंस है आपका, कि मतलब कि ये मुरादाबाद, आगरा, झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर, आपको इन जगह पर जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है, तो आप इस चीज़ से अपडेट रहिए। और आपका जो DV का प्रोसेस है 3 बजे तक लगभग ख़त्म हो जाएगा, मुझे तो 4 बज गए थे, लेकिन 3 बजे तक लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा पीयूष तिवारी जी की बात पूरी सुनी है। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोसेस इलाहाबाद बोर्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, आपको जाते ही कहाँ पर बैठा रहे हैं वो, क्या से क्या बैच बना रहे हैं, पूरा प्रोसेस दोस्तों उन्होंने अच्छे से समझाया, मतलब कि मेरे से भी अच्छे से समझाया दोस्तों। तो आपने देखा होगा, तो वो पूरा बता दिया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और मेडिकल की भी दोस्तों मेरे उनसे बात हो चुकी है, मेडिकल का भी आज शाम तक या फिर कल सुबह मैं आपको कंफर्म मेडिकल का बता दूंगा दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी टाइम नहीं मिलता है, वो भी दोस्तों सभी को टाइम निकालना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत ही धन्यवाद उनका कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। तो उस मेडिकल की भी बात करेंगे हम दोस्तों आगे। और आपके दोस्तों फिर से आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी जोन से मेडिकल दे के आ गए हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आ गए हो, तो मैं मेरे सोशल मीडिया के लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप किसी पर भी मेरे को मैसेज कर देना, वहाँ से मैं आपको व्हाट्सएप पर बात करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कर सकते हो दोस्तों। और मैंने कम्युनिटी के अंदर भी पोस्ट डाला हुआ है, तो वहाँ पर भी आप अपना वहाँ से मेरे से संपर्क कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो दोस्तों। आपकी हर संभव कोशिश प्रयास रहेगा कि सभी की मदद की जाए दोस्तों, तो इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था। तो इलाहाबाद का तो हो गया है, और चेन्नई का दोस्तों मैं बता दूं आपका प्रोसेसिंग में चल रहा है, क्योंकि चेन्नई के अंदर लगभग अस्पताल में 2 से 3 दिन लग रहे हैं। तो एक लड़का है कॉन्टेक्ट का, वो बोल रहा था कि कल परसों तक उसका कंप्लीट होगा, तो उसके बाद में ही वो बना पाएगा, और वो नहीं भी बनाता है दोस्तों, तो 8 तारीख को मेरे खुद का DV और शेड्यूल है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा चेन्नई वालों के लिए। तो बाकी और कोई भी जोन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल थी, तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो भी दोस्तों पीयूष तिवारी जी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो इसी के आधार पर आपको मेडिकल का भी रिव्यू देंगे दोस्तों। तो जय हिंद,
जय भारत चैनल के साथ जुड़े रहें, आपका साथ ही हमारा चैनल है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जय हिंद, जय भारत।